दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ को और आईपीओ को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर हम पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिए कि आप कैसे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आईपीओ का जो सबसे पहला स्टेप होता है अप्लाई करने का, आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट या तो आप जो नंबर वन कंपनी करंटली भी चल रही है वो है जीरोधा, तो आप जीरोधा के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है। और जो अदर देन जीरोधा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले कौन कौन सी कंपनीज़ एक्टिव है जो आपको डीमेट अकाउंट खोलने में सहायता करती है और सबसे बेस्ट कंपनी है। ठीक है, इसमें ये ब्रोकिंग हाउसेज है, आपके टोकन ब्रोकर आप बोल सकते हो, स्टॉक ब्रोकर। तो पहले आपको यहाँ एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। और अदर देन आप क्या कर सकती हो, एक अदर एक एक और ऑप्शन होता है जहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग होती है, ठीक है। आप अपना नेट बैंकिंग एक्टिव कीजिए तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है आईपीओ का धुआँ, ठीक है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप आईपीओ अपना अप्लाई कर सकती हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप उधर ना जाके आप डायरेक्टली जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल या शेर खान इंडिया इन्फोलाइन, इन जो कंपनीज है इनमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते कि वो जीरोधा या इनमें अकाउंट खुलवाए, तो प्लीज़ आप डायरेक्टली अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूँ कि वो क्या है। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या आता है, आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो कुछ पॉइंट्स है जो जिसको आपका जान तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो जो SBI कार्ड का जो IPO है वो करंटली आ चुका है, उसकी जो डेट है 2 से लेकर 5 मार्च तक अप्लाई कर सकती हो। और इसका जो प्राइस रेंज है वो 750 से 755 के बीच में है। ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी वो 19 है, ठीक है, मतलब इसका जो लॉट साइज है 19 का है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 750 मल्टीपल है 19, तो टोटल कॉस्ट आपकी 14,750 के आसपास आएगी। तो टोटल जो कॉस्ट होगी आपकी 15,000 के आसपास होगी, ठीक। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राइस रेंज होता क्या है, ठीक है। तो प्राइस रेंज के लिए मैं आपको छोटा सा एक इमेज शेयर करता हूँ, ये रही। अब प्राइस बैंड होता क्या है मैं आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ। मान लीजिए एक आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 90 से लेकर 100 रुपये रखा गया है, तो निवेशक क्या करेंगे कि 90 रुपये की बोली लगाते हैं। आपको यहाँ पर बेट डालनी पड़ती है, वो बोली आप 90 से लेकर 100 रुपये किसी भी प्राइस में रख सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आईपीओ रिलीज होता है, ओपन होता है, उस दिन इसकी वैल्यू 98 निकलती है, तो आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका मतलब आईपीओ निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो पैसा है वो विद इन 1 वीक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा या डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप चाहते हो कि आईपीओ अगर आपने अप्लाई किया तो आपके अकाउंट में मिले, मतलब आपको मिले ही मिले। इसके लिए क्या कर सकती हो, एक ऑप्शन होता है कट ऑफ कीमत बोलते हैं उसको। कट ऑफ कीमत क्या होता है कि आपके 80% चांसेस आईपीओ सब्सक्राइब करने के बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा आप बिड ना डाल के एक जो कट ऑफ प्राइस है उसी में आप एंट्री कर लें, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, प्राइस बैंड, कट ऑफ कीमत, ये आपको मैं चार्ट में लेके चलता हूँ, वो आपको समझाता हूँ कि होता क्या है, ठीक। और फॉर्म को सही तरीके से भरे, जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ ऐसे ही फॉर्म को भरना, आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो प्लीज़ इसी तरीके से आप अप्लाई करना। तो दोस्तों देख सकते हो करेंटली मैंने जीरोधा का चार्ट खोला हुआ है आपका, ठीक है। तो मैं भी जीरोधा के थ्रू अप्लाई करूँगा, अगर आप चाहो तो इसके होम पेज में भी जाके अप्लाई कर सकती हो। और आप डायरेक्टली consol.zerodha.com में जा सकती हो, ये जीरोधा का डैशबोर्ड अकाउंट है। आपको उसके बाद करना क्या है, आप पोर्टफोलियो में क्लिक कीजिए और यहाँ पर IPOs का ऑप्शन होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे, राइट, जो इसका डायरेक्ट लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जो IPO की विंडो होती है वो 10 AM से लेकर 5 बजे तक खुलती है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको IPO की डिटेल पूरी मिल जाएगी कि कब इसका स्टार्ट हुआ है, अलॉटमेंट कब होगा फाइनलाइज, रिफंड का कब है, ठीक, डीमेट में शेयर कब ट्रांसफ़र होंगे, उसकी लिस्टिंग डेट भी आप देख सकते हो पूरा ईयर, इसमें सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, प्राइस रेंज मिल जाएगा, आपका क्वांटिटी मिल जाएगी और रेंज मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे इसमें करेंटली SBI कार्ड का IPO आ रहा है तो आप बिट में क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें, राइट। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकती हो। तो मैं आप यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के इसको अप्लाई करता हूँ आपके सामने। UPI ID ऐप एंटर कर सकती हो, तो मैं जैसे अपनी UPI ID डालने जा रहा हूँ, तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पर UPI ID डाल दिया है,
ठीक है, आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्लिक करना है और यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है आपको 19, राइट। और यहाँ पर आप बिड डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप बिड ना डाल के कट ऑफ प्राइस में ही ले लीजिए, ठीक है। जो मैक्सिमम प्राइस होगा आपको उस प्राइस में ही मिल जाएगा, राइट। तो आप इसमें क्लिक करने के बाद ये टोटल आपके अमाउंट या शो कर देगा कि कितना आपका कैश फ्लो होगा, ठीक है, कितना आपका मनी इसमें इन्वेस्ट होगा। तो आप इसमें सबमिट में बटन में क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको एक मैसेज शो करेगा यहाँ पर। तो आपको अब अपने मोबाइल में जाके या जो भी आपके आपका यूपीआई आप जिसमें यूज़ करते हो उसमें जाके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं कंफर्मेशन के लिए आपको अपने फ़ोन में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि सकते हो मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल पे में मेरा कनेक्ट है यूपीआई। तो मुझे तो मेरे स्क्रीन में मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो गई थी, तो मैंने उसमें क्लिक किया और पेमेंट के लिए आगे बढ़ा। अगर आपको मैसेज रिसीव नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपने यूपीआई आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको वो पेमेंट के उसमें जाना पड़ेगा और वहाँ पर कोई पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट होगी तो उसमें क्लिक करके उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर या तो उसको डिक्लाइन कर सकते हो तो अप्रूव कर सकते हो, तो मैंने अप्रूव कर दिया। तो अगर आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपकी पेमेंट कर जाएगी और अंत में आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आपका जो कैश है 14,345 वो ब्लॉक हो गया, आपका जो बैंक है ये इतनी पेमेंट आपकी रिजर्व कर देगा आपके आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। और जैसे ही जिस दिन आईपीओ आएगा अगर आपको ये शेयर मिलते हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में कि आपके शेयर आ चुके हैं। अदरवाइज जो आपका जो कैश ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपके वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैसेज लास्ट में आपको रिसीव होगा, देख सकते हो। तो अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, फ्यूचर में अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या कुछ भी, तो पर्टिकुलर ये चैनल आपके स्टॉक मार्केट के बारे में ही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वहाँ लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, डेफिनेटली उसमें क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।